और खबर दिल्ली से, जहां यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से घटने लगा है। कल रात को जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यमुना 206 मीटर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब जलस्तर एक बार फिर से घटने लगा है। यमुना के ऊपर बने लोहे वाले पुल पर ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य है, लेकिन सड़क यातायात अब तक नहीं खोला गया है, वो अब तक सामान्य नहीं हो पाया। कई जगह पर अब भी रास्ते बंद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से घटना शुरू हो चुका है। पुराना लोहे का पुल, रेलवे का यातायात यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन अब भी जो आम गाड़ियां हैं वो यहाँ से नहीं गुजर रही हैं। और इन सबके बीच यमुना का जलस्तर कम होने के बाद दिल्ली प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही को छूट दे दी है। इसके पहले तक उन इलाकों में पानी भरने की वजह से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अभी भी सिंघू बॉर्डर से दिल्ली भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे पहले दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ली सीमा से भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को रोक दिया था, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद कई निचले इलाकों से पानी निकल गया और वहां सुधार होने के बाद प्रशासन ने फिर से हल्के वाहनों के प्रवेश को अनुमति दी, लेकिन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों को सिर्फ कश्मीरी गेट तक आने की अनुमति दी गई है। लेकिन पहले ही हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में मुसीबतों का अंबार लग गया। जिन इलाकों से पानी निकल चुका है वहां हजारों टन कीचड़ सड़कों पर बिखरा दिखा, जबकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां नदी का जलस्तर घटने के बाद भी सड़कें तालाब की तरह नजर आई और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखाई दिए। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर 2 फीट के करीब पानी भरा दिखा। दिल्ली के कई सारे मुख्य इलाके, वहाँ पर जाना है तो इस आईटीओ से आपको जरूर गुजरना होगा। जहाँ तक आपकी नजर जा पा रही होगी वहाँ तक आपको पानी ही नजर आएगा। वहीं बाढ़ का पानी निकलने के बाद दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइन्स में हर तरफ कीचड़ बिखरा दिखाई दिया। बाढ़ के पानी के साथ कचरा और सीवर का गंदा पानी आने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क किनारे टेंटों में रह रहे लोगों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही। जिसके बाद दिल्ली में राजघाट के अंदर से यमुना नदी का पानी निकालने के लिए बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़ दी गई, जिससे राजघाट के अंदर भरा पानी तेजी से बाहर सड़क की तरफ निकलने लगा। बीते 3 दिन से वो पूरा इलाका तालाब बना हुआ था, लेकिन जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ राजघाट से भी पानी घटने लगा, लेकिन अंदर जमा पानी उतनी तेजी से बाहर नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद फैसला लिया गया कि राजघाट के बाहरी हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जाए ताकि पानी तेजी से बाहर निकल सके। बाउंड्री वॉल हम आपको दिखाते हैं जो पानी की निकासी के लिए तोड़ी गई है, आप तस्वीरों में देखेंगे और आप देखेंगे बहुत तेजी से यहां से अब पानी निकल रहा है। बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद बाहर निकल रहे पानी को मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से रास्ता बनाकर मैनहोल तक पहुंचाया गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 3 रोज पहले राजघाट पूरी तरह पानी में समा गया था। और पोर्ट ब्लेयर में आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। नए टर्मिनल की बिल्डिंग लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अंडमान निकोबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करने वाले हैं नए टर्मिनल का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। 10:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं।